सिंध में सैलाब मुतासरीन को वबाई अमराज ने लपेट में ले लिया है। खैरपुर में 24 घंटों में बच्चों और ख्वातीन समेत 6 अफराद जान बहक हो गए हैं। दूसरी जानब सखर और गुड्डू बैराजों के दरमियान कच्चे का 50% इलाका खुश्क होने के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी शुरू हो गई है। आफत में घिरे सैलाब मुतासरीन बीमारियों से जंग हारने लगे। खैरपुर में 24 घंटों में बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाबहक हो गए। फुल डीजी में मलेरिया के 22 8 साल आसिफ और 2 साल वकीला शंबानी ने दम तोड़ा। फैजगंज और नारा में 2 बच्चे और खातून जिंदगी की बाजी हार गए। फरी मीरवा में गेस्ट हाउस से 3 साल बच्ची इंतकाल कर गयी। सक्कर की तहसील सालेपट में भी मुतासरीन गेस्ट्रो मलेरिया और दीगर अमराज में मुब्तला होने लगे। DIG जावेद जिस्कानी ने रिलीफ कैंप का दौरा किया, मरीजों की हालत देखी और डॉक्टर की अदम मौजूदगी पर इंचार्ज की सरजनिश की। उन्होंने बच्चों और दीगर मरीजों को अपनी जाती गाड़ियों में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। उधर मिट्यारी की रोहड़ी किनाल से मलहे का 20 से जायद देहात ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। इंतजामिया की नाहली ने इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। दूसरी जानिब सक्कर और गुड्डू बैराजों के दरमियान कच्चे का 50% इलाका सूख गया, जिसके बाद मुतासरीन ने घरों को वापसी शुरू कर दी। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह निचले दर्जे के सैलाब तक आ गई। मंचर झील, दादू, मोरो और आमरीपुल पर भी पानी का दबाव कम हो गया।